हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आज आज क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जेई, नीट और क्लास 11th के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं भूलेंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आइए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले आप सोच लीजिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, ये आप पहले टेस्ट दीजिए और इसका आंसर आप बाद में देखिए। तो आपके सामने जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप बताएंगे कि किसका आंसर क्या होगा। देखिए, लोथर मेयर ऑब्टेंड द कोर फॉर द नोन एलिमेंट बाय प्लॉटिंग देयर एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, चार मल्टीपल चॉइस आपके सामने ये है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जिंदगी इसी की है, ये सॉरी, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इसे इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। तो इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप अपना मन लगा करके आंसर दीजिए, ताकि आपको हर आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आए और फिर आपका अपना टेस्ट भी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इन सभी क्वेश्चन को करते जाइए, एक एक करके करते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप देखते रहिए और देख करके इसको करते जाइए। पता चलेगा कि आपका क्या तैयारी है इस चैप्टर में, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम आपको दिखा सकते हैं। आप अपने देखिए, अपनी आंखों से देखिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। ठीक है, तो देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑलरेडी जेई क्वेश्चंस हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि इन अ पीरियड एटम विथ स्मॉलर रेडियस इज, चैल्कोजेन, हैलोजन, एरोजेन, निकोजेन, किसका होगा। बड़ा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है। मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप एक टेस्ट दीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये समझिए कि टेस्ट पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ये लेकर के एक एक क्वेश्चन को अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ हूं, मेरी तैयारी कहाँ है, किस जगह पे है मेरी तैयारी, उसको देखिए, उसको देखिए। ओके, मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे,
धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए, चलते रहिए। तो ये क्वेश्चन को देखते रहिए और आगे चलते रहिए, चलते रहिए। 98 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 98 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो मैंने आपको 98 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, 98 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन और भी हैं, लेवल अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को आप करते चलिए तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये 98 क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए, इसका जो ये जो हमने क्वेश्चन आंसर दिया है, कुछ आंसर भी का भी प्रूफ भी है यहाँ पे, देख लीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो आपको लगे कि टिपिकल है, उस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। चलिए, तो आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं। ये पहला क्वेश्चन हमने यहां से शुरू किया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? लोथर मेयर ऑब्टेन द कोर फॉर द नोन एलिमेंट बाय प्लॉटिंग देयर एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट। अब बताओ, तो बोलो, तुम बोलो। गुड, पहला का आंसर एटॉमिक मासेस है, पहला का आंसर एटॉमिक मासेस है। इस तरह से आप इमीडिएट में क्वेश्चन, द एटॉमिसिटी ऑफ ए नोबल गैस इज, एटॉमिसिटी नोबल गैस इज, क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। नोबल गैस तो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, वन है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 इज 4। तो 19 इज द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 इज, तो 19 किसका होगा? अल्कली मेटल का होगा, 19 अल्कली मेटल का होगा, ये चौथा आंसर हो जाएगा। 19 पोटेशियम है, अल्कली मेटल है। तो देखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए, तो इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 21 है, ये द एलिमेंट विथ NH2NP4 एज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ए, 21 का क्या हो जाएगा? तो आउटर किसका होता है? चैल्कोजेन। ये 4 और 2 6 यानी 16 ग्रुप को हम बोलते हैं, राइट, चैल्कोजेन बोलते हैं, मैंने बताया भी है। तो ये बड़ा प्यारा 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर नीचे हमने दिया है, उस क्वेश्चन को आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और खूब कीजिए। कलेक्शन है, बहुत बहुत सारे जेई और नीट का क्वेश्चन है, जो कलेक्शन है आपके सामने रखा जा रहा है। इन क्वेश्चन को कीजिए, बहुत मजा आएगा, करेंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं करेंगे कहाँ से मजा आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन करने में पीछे मत रहिए, ठीक है, क्लियर हुआ? तो अपना भरोसा भी होना चाहिए खुद पे, भरोसे के साथ काम कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, एक कैंचिया खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वाह वाह, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार लगातार लगातार, देखिए ना कितना क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मैं आपको दे रहा हूँ, एक कलेक्शन कलेक्ट करके क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये बना करके इस तरह से देखिए, पूरे क्वेश्चन 1 से 98 तक का ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। फिर हम लेवल 1 होमवर्क में आपको करवाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मजे से आप कीजिए, एक एक करके कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों यारों से भी बोलिए कि लाइक और सब्सक्राइब करें और मजे लें और पूरा मजे से चैप्टर की तैयारी करें। चलिए, ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लेके आएंगे इसी चैप्टर का, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।